इन जय भारत। दोस्तों मैं मनोज सिंह एक बार फिर आप लोगों के बीच में रिटेन से हटके फिजिकल से हटके जो लगातार आप लोगों के बीच में मैं वीडियो देता रहता हूं और आज मैं दे रहा हूं आपको मेस का वीडियो। और आज संडे का दिन है जिसके अंदर वेज और नॉन वेज दोनों लड़कों का होता है। जो लड़के वेज खाते हैं उनके लिए स्पेशल पनीर होता है, ये पनीर है उनके लिए पनीर होता है, और जो चिकन खाते हैं उनके लिए चिकन होता है। तो दोनों लड़कों को जो वेज खाते हैं जो नॉन वेज खाते हैं दोनों को ध्यान में रखते हुए ये चीज किया जाता है कि 7 दिन के अंदर बीच में एक दिन अंडा कड़ी होता है नॉन वेज वालों के लिए, उस दिन भी पनीर का होता है। मैं वीडियो इसलिए दे रहा हूँ, खाना चालू करो, मैं वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि जो फिजिकल एकेडमी है इस टाइम पे आपको पता है कि SSC GD के लड़के हैं ज्यादा से ज्यादा वो एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका फिजिकल नजदीक आ गया है तो उनका जो फिजिकल है और जो रिटेन वाले भी लड़के हैं आर्मी अग्निवीर के जो लड़के हैं तैयारी कर रहे हैं तो सारे चीजों में आपको पता है कि VDA एक ऐसा जगह है जो कि खाने को लेकर स्पेशल लड़कों को मैं सुनता भी हूँ कि अगर खाने को कोई दिक्कत आ रहा है प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस प्रॉब्लम को भी हल किया जाए। और मैं जब तक एकेडमी चलाता रहूंगा ये मेरा मोटो रहेगा, पढ़ाई को लेकर फिजिकल को लेकर और साथ में खाने को लेकर ये सारी चीजें मैं इनको स्पेशल ध्यान देता रहूंगा। और जिसकी वजह से लड़कों का थोड़ा सा एक मानसिकता है जो वो पॉजिटिव वे में रहेगा कि नहीं हमें जहां हम खाना खाते हैं जहां हम पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ाई होता है खाना खिलाया जाता है अच्छे, और बीच बीच में इस तरीके के वेज और नॉन वेज का ट्रिक देना एक जरूरी होता है। जरूरी इसलिए होता है कि एक ही जैसा खाना खाते खाते बच्चे हैं ये बोर हो जाते हैं, अपने घर में हो सकता है ये 2-3 दिन के अंदर एक बार नहीं 2-2 बार खाते हो, लेकिन हॉस्टल एक ऐसा जगह होता है ये पार्टिकुलर बंद जाते हैं और बंद जाने के बाद इनको बाहर का खाना मिलता नहीं है। जब बाहर का खाना नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं एक उबन सा महसूस करते हैं, बोरिंग सा महसूस करते हैं कि काश मैं घर पे होता तो ये खाता ऐसा खाता वैसा खाता, तो मैं घर जैसा पार्टिकुलर सब कुछ तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन काफी हद तक मेरा जहां तक ओपिनियन है जहां तक मेरा बिलीव है कि मैं कुछ न कुछ इनको ऐसा खिलाऊं कि कम से कम ये संतुष्ट रहे। संतुष्ट के साथ साथ इनको जो आगे इनकी तैयारी करना है जब ये भूखे रहेंगे या ये खाने पीने से संतुष्ट नहीं रहेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे भी नहीं, और फिर उस कंडीशन में जो ग्राफ होगा एकेडमी का ग्राफ होगा वो नीचे लेवल पे जाएगा। तो हर चीज का ध्यान देते हुए हम लड़कों ये आप देख सकते हैं ये भीड़ वीडियो के अंदर हमेशा रहती है, कभी भी ऐसा कोई मौसम नहीं दिखेगा कि ये देखो बच्चों का ऐसा एक खाली जस्ट आया हुआ है। 4 से 5 पीस का मिनिमम जो रेशियो रहता है वो चलता है। ये देखिए थाली के अंदर पनीर वगैरह ये देख लीजिए, ये प्रॉपर पनीर वगैरह है। और खाना सिर्फ खाना नहीं, खाने की फटीक नहीं पूरा किया जा रहा है, प्रॉपर इनको खाने की तरह खाना दिया जा रहा है जैसे आपके घर में चिकन बनता है आपके घर में पनीर बनता है, वो अच्छा लगता है। और साथ में हमारा पूरा टीम है जो कि यहाँ पे पूरा खाने पीने का जो सालों साल 12 महीने मेहनत कराती रहती है, और ये पंकज सर का योगदान है जो बीच में पूरे, मैं तो अक्सर बहुत एकेडमी में बहुत कम रहता हूँ, बाकी पूरी टीम है PDA की जो कोने कोने में चप्पे चप्पे तरह की पूरा सभी चीज को प्रोवाइड करती है। इस सेशन के बीच में एक चीज और नहीं है, यहाँ पे गर्ल्स नहीं है, आप देख रहे हैं कि एक भी लड़की यहाँ पे नहीं है। रीजन है जो माहौल होता है स्पेशली लड़कों का होता है, और लड़कों के बाद इनका पूरा बैच जब ये खाना खाकर उठ जाएगा तब लड़कियों का ये बैच आएगा, तो ये खाना जारी है। और बाकी आपके बीच में पर डे यूपी पुलिस आर्मी का लाइव क्लास, ऑफलाइन क्लास, फिजिकल रिटेन सब कुछ चल रहा है। वीडियो आपके लिए, पूर्वांचल के लिए और सभी के लिए सब पर एक ऐसा जॉब लेकर जगह रहेगा जहां से आप फिजिकल और रिटेन और नौकरी लेकर मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो।